हजारों हैं मंजिलें, लाखों हैं रास्ते, रुकना नहीं तू ये है तेरे ही वास्ते। आए आंधियां या तूफान सर पे आए, चलने में तेरे बस कदम ना डगमगाए। दुनिया में बड़ी है सबसे तालीम की ये दौलत, जीतेगा हर एक जंग तू इस ही की बदौलत। कोई ऐसी एक तू मिसाल कायम कर कि जिंदगी बन जाए तेरी एक दस्तावेज, दस्तावेज। कुछ पसंद आया? देखिए जी, हमें गिफ्ट लेनी है अपनी बिटिया के लिए, और उसे तो चीजें मुश्किल से पसंद आती हैं। भाई यहाँ तो बहुत वैरायटी है। हाँ वो तो है, पर उसके लिए जो सूट हमें लेना है ना, उसका मॉडर्न के साथ साथ एथनिक होना भी जरूरी है। चलो इनसे पूछते हैं। चलिए भाई, हमारी बिटिया के लिए बहुत खूबसूरत सा सूट दिखाइए। एक्चुअली सर, आई वाज लिसनिंग टू यू, इधर आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ना। गुड, गो अनीता। हाँ, पर किरण की चॉइस का तो तुम्हें पता है ना। मैम, डू यू वांट समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड? व्हाई नॉट। तो रुकिए मैडम, मैं आपको अपनी मैडम के पास लेकर चलती हूँ। यू नो सर, शी इज फैंटास्टिक। बहुत ही खूबसूरत लगा, दिस इज ब्यूटीफुल। अच्छा ऐसा करो, इसके जैसे छह पीसेस बनाकर बाकी के बुटीक्स में भी खिंचवा दो, और कुछ यहाँ पर डिस्प्ले के लिए भी लगा दो। ठीक है। हाँ दीदी, ये कस्टमर तुम? सुभद्रा तुम? आप मेम साहब, तुम यहाँ? मेरा मतलब है कि तुम्हारा बुटीक है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती तुम। और मैंने भी कब सोचा था कि मैं एक दिन इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगी। आप ही की बदौलत ये सब मुमकिन हुआ है मेम साहब। मेरी बदौलत? जी। आपको याद नहीं क्या उस दिन? क्या लाई? गाजर। कितने की? 10 की। गोभी कितने की? 6 की। मटर? मटर 12 की। टमाटर? टमाटर 8 के। हाँ। और आलू? आलू 5 के। तो कितने बने? मालकिन आप खुद ही हिसाब कर लो ना, ये रे बचे हुए पैसे। ला दे। ये कितने हैं? ओहो, तूने 41 रुपए खर्च किए हैं, और मैंने तुझे कितने दिए थे? 100 रुपए? 100 रुपए दिए थे ना, तो तुझको मुझे 59 रुपए वापस करने थे, ना कि 49 जो तू मुझे दे रही है बेवकूफ। मैं क्या जानू मेम साहब, मुझे जो सब्जी वाले ने दिए वो मैंने वापस आपको लाके दे दिए। तो तेरी अकल क्या घास चरने चली गई थी बेवकूफ? हैं, गिन नहीं सकती थी? जाहिल, अनपढ़, गवार, बेवकूफ औरत। हाँ हाँ, मैं गवार सही, अनपढ़ सही, जाहिल सही। मुझे नहीं करनी आपके यहाँ नौकरी, आप मेरा हिसाब कर दीजिए मेम साहब। लेकिन कहा ना, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, मुझे आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी। आप मेरा हिसाब कर दो, शाम को आके मैं अपने पैसे ले जाऊंगी। सच पूछे मेम साहब, मेरे दिल को उस दिन इतनी जबरदस्त ठेस लगी थी कि मैंने सोच लिया कि मैं जाहिल, गवार और बेवकूफ औरत कुछ बनकर दिखाऊंगी। सारी जिंदगी मैं जाहिल, गवार और अनपढ़ बनकर नहीं गुजारूंगी। इसलिए मैं तो आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे यूं शर्मिंदा मत करो सुभद्रा, मैंने तो यूं ही गुस्से में आकर। हाँ मेम साहब, आपका गुस्सा ही था लेकिन मुझे फल गया। अरे भाई, अच्छी खासी दुकान है तुम्हारी, और तुम भी खुद काफी टैलेंटेड औरत हो। मेरा मतलब है कि
सर, इतनी अंग्रेजी तो मैं समझती ही हूँ, बीए कर चुकी हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। क्या हुआ, कैसे? एक छोटी मोटी कहानी है सर, सुनना चाहेंगे? क्यों नहीं। जानती हूँ सुभद्रा, तुम्हारे जाने के बाद भी हम दोनों तुम्हारी बहुत तारीफ किया करते थे। जरूर सुनेंगे तुम्हारी कहानी। क्या बताऊँ मैं साहब। सर, दरअसल मैं भी एक बहुत ही गुस्सैल किस्म की औरत हूँ, या यूं कहिए कम से कम थी। आपकी नौकरी छोड़कर के जब मैं अपने घर वापस आई और मेरे पति को पता चला कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, तो वो मुझ पर तो बरस ही पड़ा, क्योंकि उसका गुस्सा तो मुझसे भी दुगना था। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे कौन छोड़ता है इतनी अच्छी नौकरी? हाँ हाँ, मैंने छोड़ दी तो छोड़ दी। देख, मैं तेरे साथ कल चलूंगा और तेरे साहब और मेम साहब दोनों से तेरी तरफ से माफी मांगूंगा और कहूंगा कि तुझे फिर से रख ले नौकरी पर। मैंने कहा ना, मुझे वो नौकरी नहीं करनी। नहीं करनी तो इस घर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा जो बरसात होती है घर में, जो तेरे जैसी बेकार और नाकारा औरत हाथ पर हाथ धर के बैठी रहे। एक मर्द होकर के भी तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि चार दिन तुम्हारी बीवी ना कमा कर लाए तो तुम इस घर को नहीं चला सकते? ठीक है, तुम मुझे इस घर में नहीं रख सकते ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। भूखी तो मैं भी नहीं मरूंगी इस घर को छोड़ करके। जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना इस घर के अंदर। मेरे को मारता रहता। ये क्या हो रहा है बहू? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ माँ जी। लेकिन क्यों? अपने बेटे से पूछ लीजिए, मैं जा रही हूँ। कहा सुना, माफ कर दीजिएगा। पागल पागल हो गई है क्या बेटे? कोई ऐसे भी अपना घर छोड़ के जाता है क्या? ना बहू ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस बस जो भी हो तेरे लोगे, मैं तो इसे तेरा ही कसूर मानती हूँ। क्या तूने कभी ये भी जानने की कोशिश की कि तेरी औरत को किस बात से ठेस लगी है जो इसने नौकरी छोड़ी? अरे ना दे अम्मा, अगर इसकी मालकिन ने इसे जाहिल और गवार कह दिया तो क्या गलत कह दिया? ये है ही जाहिल और गवार। अरे तो तू कौन सा पढ़ा लिखा है? अगर तुझे कोई जाहिल अनपढ़ गवार कह दे तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? असल में हमारा भाग ही खराब है। भाग्य को दोष ना दो माँ जी, सच पूछो तो मैं अपने आप को ही दोषी मानती हूँ जो इतनी कमजोर पड़ गई। क्या मतलब? याद है जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी, उन्हीं दिनों आस पड़ोस की कुछ औरतों ने पाठशाला में जाना शुरू किया था, जहाँ पर बड़ी उम्र के लोगों को पढ़ाया जाता था। जाना तो मैं भी चाहती थी लेकिन मैंने नहीं जाने दिया। सच बात तो यही है, तुम्हें कड़वी लगती हो तो लगे। काश उस समय मैंने तुमसे झगड़ा कर लिया होता और तुम्हारे मना करने पे भी पढ़ाई करने के लिए चली गई होती, तब किसी की हिम्मत तो ना पड़ती मुझे जाहिल और गवार कहने की। ये शब्द मुझे सांप की तरह डसता है, सांप की तरह। इतना ही शौक है ना तो जाके ले ले दाखिला स्कूल में, बड़ी इज्जत बढ़ जाएगी ना घर की। इतनी बड़ी औरत जब बच्चों की तरह खा 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 सीखेगी। एक बार सुन लियो, इतना गया गुजरा नहीं हूँ मैं कि दो गज की रोटी ना कमा सकूं। मैंने कभी ये चाहा कि मैं कमाई करना बंद कर दूं? और अम्मा, पढ़ाई और कमाई दोनों साथ साथ भी तो हो सके हैं। और नहीं तो क्या? बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। अरे शाम के वक्त एक दो घंटे के लिए तो पढ़ाने आते हैं ये मास्टर लोग, इतना समय तो कोई भी निकाल सकता है, क्यों? अच्छा ठीक है अम्मा, तू भी कर ले इसकी वकालत, पढ़ा दिखा दे इसको, बना दे विद्वान ज्ञानी, चाहे इसका मर्द अंगूठा छापी क्यों ना हो। और मैं तो कहता हूँ तू भी ले ले दाखिला इसके स्कूल में। हे भगवान, इसे कौन समझाए? ये मुझ शराब छूटे तो सूझे ना। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा दाखिला करवा दूंगी, मैं चलूंगी तेरे साथ। बेटा पढ़ना तो मैं भी चाहती थी, मगर मैं चाहती हूँ कि पहले मेरी बहू ही पढ़ लिख जाए। वैसे तो आप भी अगर स्कूल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल आप अपनी बहू को दाखिल कराना चाहती हैं तो ये भी ठीक है। असल में मेरी बहू है ना बहुत गुणों वाली है, ये कढ़ाई कसीदाकारी इतनी बढ़िया करती है कि क्या बताऊं, मगर इस वक्त ने इसको पढ़ाई का बड़ा शौक है। जी तो ठीक है माँ जी, अभी तो आप उन कक्षाओं में दाखिल करने के लिए इनका फार्म भरवा दें जिनमें हम बुनियादी तालीम यानी कि प्राथमिक शिक्षा, मेरा मतलब है पढ़ना लिखना और हिसाब लगाना सिखाते हैं। इसके बाद इनके हुनर और शौक के हिसाब से दूसरी किस्म की शिक्षा का भी हम इंतजाम करा देंगे। तो फिर लिखिए ना मेरी बहू का नाम अपनी किताब में, ये पढ़ लिख जाए तो शायद हमारे भी भाग बदल जाए। जी जरूर। का से कबूतर, का से कबूतर, का से कबूतर,
खास है खरगोश, खास है खरगोश, घास है गमला, घास है गमला। अच्छा अब आप बताइए कि इन अक्षरों के सिवा का से और क्या बन सकता है, आप बताइए। का से कमीज। बहुत अच्छे, अब आप बताइए खा से क्या बनेगा। खाना। बहुत अच्छा, और आप बताइए गा से क्या बनेगा। मास्टर जी मेरे को शर्म आती है। अरे शर्म आने की क्या बात है, आप बताइए क्या बनेगा। गा से गधा। माँ जी आज जानती हूँ क्लास में बड़ा ही मजा आया। क्या हुआ? जब मास्टर जी ने हमसे पूछा, हमें से एक से पूछा कि क से क्या बनता है, तो एक ने जवाब दिया कमीज। अच्छा। एक से पूछा कि ख से क्या बनता है, उसने बोला खाना। और जब मास्टर जी ने मुझसे पूछा कि ग से क्या बनता है, तो मैंने बोला गधा। और सारी की सारी क्लास हंस पड़ी। और पता है क्या क्या हुआ? और आज तो मास्टर जी ने हम लोग को खाली पांच ही अक्षर कराए थे, लेकिन उसमें से एक अक्षर तो मुझसे बोला ही नहीं गया। पता नहीं क्या था, ड ड ड में से नहीं बोला जाता। अरे पगली इसमें क्या मुश्किल है? अच्छा तो आप बोल करके बताओ जरा। अब बुढ़ापे में मुझसे बुलवाई क्या? आपने मास्टर जी से पूछ। हसो ठहाके लगाओ, घर की बहुत इज्जत बढ़ रही है, घर की इज्जत को बहु पढ़ लिख कर चार चांद लगा रही है, आठ चांद लगा रही है। हसो त्रिलोकी तू होश में तो है? हाय राम आज तो इतनी पीकर आया है। पी के आया हूँ, अपने पैसे की पी के आया हूँ, तुम्हें क्या? लेकिन तूने तो कहा है तूने छोड़ रखी है। अरे तो शुरू करने के लिए कमेटी से लाइसेंस लेना पड़ता है क्या? हे मेरे भगवान, तुमने दोबारा से क्यों शुरू किया पीना? कर लो बात। अरे थोड़ी शुरू कराई और मुझसे पूछ दिया। मैंने शुरू कराई? हाँ। क्या मतलब? अरे तूने शुरू कराई नहीं तो किसने कराई? सारा मोहल्ला मेरा मजाक उड़ाता है, जानती है? कह रहे हैं कि अंगूठा साहब की बीवी पढ़ लिख कर विद्वान हो जाएगी और ये सिर्फ अंगूठा साहब रह जाएगा, अनपढ़ गवार। तो किसने कहा है जी कि तुम सारी जिंदगी अनपढ़ गवार बने रहो? तुम भी तो स्कूल जा सकते हो, वहाँ पर बड़ी उम्र के आदमी भी जाते हैं और औरतें भी जाती हैं, तुम क्यों नहीं जा सकते हो? बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, तू भी जा पाठशाला, अपना और घर का नाम चमका। नहीं, नो, नहीं अम्मा जी, नमस्ते। फिर क्या हुआ? होना क्या था मेम साहब, मेरे जीवन का सबसे बड़ा कठिन और मुसीबतों से भरा अध्याय शुरू हो गया। पढ़ाई जारी रखने का मेरा फैसला अटल था, और अहम जिसे हम अंग्रेजी में ईगोटिज्म भी कहते हैं, मेरे पति के दिल में कूट कूट कर भरा था, जिसने हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी। मैं स्कूल से पढ़कर लौटती और मेरे पति महोदय शराब में डूबे हुए मिलते। मैंने तो क्या, मेरी सास ने, मेरे मोहल्ले के लोगों ने, यहां तक कि दूसरे लोगों ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे तो शराब की बुरी लत लग गई थी। काम काज भी आधा हो गया था, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी, घर का काम दुगना, बाहर का काम दुगना, और उसके साथ साथ पढ़ाई में भी कम वक्त नहीं लगता था। और फिर मेम साहब एक दिन क्या हुआ एक दिन? हाँ हाँ बोलो सुभद्रा। उस दिन मैं काफी थकी हुई थी, लेकिन जब मैं घर लौटी तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि क्लास में मैं अव्वल आई थी और मास्टर जी ने भी मेरी बहुत सराहना की थी। लेकिन मैं जब घर लौटी तो आप और इस वक्त क्या हुआ? 500 रुपए। 500 रुपए चाहिए? चाहिए 500 रुपए। 500 रुपए चाहिए, लेकिन किस लिए? कैसे मैं 500 रुपए चाहिए? लेकिन क्यों? उधार चुकाना है। किसका उधार चुकाना है? ठेके वाले का, देने 750 है, 500 में मान गया साला, जल्दी लाओ। वाह भाई वाह, कमाल है, मैं सारा दिन मेहनत करूं
घर का काम करूं, बाहर का काम करूं, पढ़ाई करूं, और तुम शराब के और पैसे बिटाते रहते हो। पहले से आधा भी कमा कर नहीं लाते हो तुम। चुप, बकवास कर रही है। अरे तुझे स्कूल जाने देता हूँ, ये क्या काम है? लाजल दीदा, मेरे पास फालतू बात के लिए टाइम नहीं है। नो टाइम फॉर मी। मेरे पास देने के लिए तुम्हें फालतू पैसे नहीं है। नहीं है सर, बस नहीं है। घर में निकल पैसे। छोड़ो मेरे पैसे। अरे पैसे लिए तो मुझ पर चलाते हो तू? तेरी ये मत। सिर रोके, मुझे शर्म आनी चाहिए। नहीं वर्मा जी, मैंने हार नहीं मानी है। पढ़ाई तो मैं जारी रखूंगी। बस आप मास्टर जी से कहकर के मुझे 10-12 दिन की छुट्टी दिलवा दो। लेकिन किस लिए सुभद्रा? वकील से मिलूंगी, थाने वालों से मिलूंगी और कहूंगी कि मुझे मेरे आदमी से अलग करा दो। उससे अलग होकर मैं आराम से पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपना कामकाज संभालूंगी। देखो बेटी, ये तो समस्या का समाधान नहीं। मैंने तुम्हारा परिचय नहीं कराया सुभद्रा। ये राजेश्वरी देवी जी हैं, हमारे लोक शिक्षण संस्थान की सचिव और इनके अधीन शहर की सब शाखाएं। नमस्ते। देखो मैं तो यहाँ इत्तेफाक से आ गई और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। लेकिन लेकिन क्या मैडम जी? देखो बेटी, हमारी संस्था का यही काम नहीं है कि विद्यार्थियों को केवल काखागा या हिसाब सिखाया जाए, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि विद्यार्थियों को पूरी तरह से, हर तरह से, हर किस्म की शिक्षा प्राप्त हो। गांधी जी के सिखाए हुए रास्ते पर तो हम चल ही रहे हैं, लेकिन हमारी ये भी कोशिश है कि आप जैसी महिलाएं और पुरुष भी अपने लिए ठीक रास्ता अपनाएं। आंटी जी, मेरा मतलब है मैडम जी, मैं तो किसी गलत रास्ते पे नहीं चल रही हूँ। देखो बेटी, बुरा मत मानना, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजादी की लड़ाई के वक्त गांधी जी ने क्या कहा था। सामाजिक बुराइयों से जंग करना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने देश को आजाद करना। उसके बिना आजादी का कोई मतलब नहीं। मैं आपकी बात कुछ कुछ से समझ रही हूँ, लेकिन बेटी मैं अपनी बात पूरी ही करने वाली हूँ। जानती हो, बापू ने शराबखोरी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था और औरतों ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वो कैसे? पिक्टिंग करके, मेरा मतलब है धरने लगा के। जहां जहां देसी शराब का ठेका होता, अंग्रेजी शराब की दुकानें होती, वहां वहां उन्होंने धरने लगाए। ग्राहकों को अंदर जाने से मना करती, दुकानदारों से मांग करती कि शराब मत बेचो। सुनो सुभद्रा, तुमने तो स्वयं अनुभव किया है ना, जानती हो कि शराबखोरी कितनी बुरी चीज है। अगर तुम चाहो तो बहनों को इकट्ठा करो, उनसे बातचीत करो कि नशाखोरी कितनी बुरी चीज है, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। यार मेरा तो नशा टूट रहा है, थोड़ी थोड़ी और पिएंगे। अरे बताजन, मैं एक बोतल लूंगा, अजिया तू पी लो, अजिया मैं खुद पी लूंगा। अजिया मैं खुद पी लूंगा। अब मेरी खातिरदारी कौन करेगा? अब तू तो पहले ही बहुत पी चुका है यार, चल एक पवा और पी लिया, तू ही का याद करेगा। शराब एक नशाखोरी, शराब एक सुनाई नहीं दी आप लोगों को? शराब एक लानत है, अपने आप को बर्बाद मत करो, घर जाओ, भगवान के लिए अपने आप को इस नशे की आदत से मुक्ति दिलाओ। ओ तू? हाँ मैं। फतेह, ये तो त्रिलोकी की लुगाई है, लुगाई। अच्छा। नशाखोरी बंद करो, शराब एक। हमारे मर्द लोग अपनी सिखाई दिखाते हुए नशा करने को जाते रहे, हम बहनों का शराबखोरी के खिलाफ विरोध और भी जोर पकड़ता गया। और फिर एक दिन वाह भाई वाह, त्रिलोकी मान गए तेरी बीवी को। क्यों? उसका तो एक ही मकसद है यार। क्या? बड़ी खूबसूरत चीज है वो, यहाँ आती है नुमाइश के लिए, ताकि पीने पिलाने के बाद जिसको पसंद आए ले जाए। बिल्कुल ठीक, मुझे भी बहुत पसंद है। क्या बे? फिर क्या हुआ?
वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है। पुलिस आई और इन सभी लोगों को पकड़ करके ले गई, थाने में भी रखा और पिटाई भी की, और फिर अगर आपको इसे ही पीकर दिल को तसल्ली मिलती है, मन को चैन मिलता है, तो पी लीजिए। मैं आपके लिए ठेके से लेकर के आई हूं। इसे तुम अपनी बहुत बड़ी जीत समझो बेटी। तुम्हारे पति ने शराब पीनी बंद कर दी है और उसे इस बात का पछतावा भी है ना, ये बड़ी बात। क्या आप जानती हैं आंटी जी, इन ठेकों पर बोतों ने आना जाना बंद कर दिया है। सच? हाँ जी, मेरे पति तो ये भी खबर लाए हैं कि राधोपुर के चौक के पास जो ठेका था वो भी बंद होने वाला है, और उनका मालिक कहता है वो भी ऐसे गंदे कामों में क्यों पड़े जो दुनिया भर को नुकसान देता हो। मुझे ज्ञानवती का सपना साकार होता नजर आता है। मैं समझी नहीं आंटी जी। जानती हो हमारी लोक शिक्षण संस्थान कैसे शुरू हुई? कैसे? हमारे राजस्थान के सचिव श्री जगन्नाथ सिंह जी मेहता जब रिटायर हुए तो उनकी पत्नी ने उनको प्रेरणा दी कि ऐसी संस्था बनाई जाए, खासकर ऐसी पीड़ित औरतों के लिए जिनके पास निर्वाह के लिए साधन बहुत कम है, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए। बस 1972 में हमारी संस्था की स्थापना हो गई। सब वॉलंटियर्स ने इस बात पे बल दिया कि हमारा ये भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने भाई बहनों को गांधी जी के बतावे रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। गांधी जी तो हमने सुना है आंटी जी, वैसे भी वो चाहते थे कि औरतें खूब तरक्की करें, और आप भी हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। हाँ बेटी, कोशिश तो हमारी यही है। क्या नाम है तुम्हारा? जी सरस्वती। जानती हो बेटी, सरस्वती देवी तो ज्ञान और विद्या की देवी है, और तुम्हारा नाम ही सरस्वती है, तुम्हें तो खूब पढ़ना चाहिए। हाँ आंटी, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम औरतें खूब पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़े हो सके। वाकई विद्वानों वाली बात कर रही हो बेटी सरस्वती। मैडम जी, अब तो सरस्वती भी स्कूल जाने लगी है, और मैं भी, और सुभद्रा तो जाती है, लेकिन हमारे मन में शंका ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने से सरकार हमें मैजिस्ट्रेट तो बना नहीं देगी, तो फिर हम अपने पैरों पर खड़े कैसे होंगे। देखो, खूब पढ़ लिख जाओगी तो मैजिस्ट्रेट क्या, बहुत बड़ी अफसर भी बन जाओगी। लेकिन याद रखना, हमारे पास आप जैसी महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कशीदाकारी, रोज काम आने वाली चीजें, थैले बनाना, पर्स बनाना, डोरिया बनाना, अनगिनत चीजें हैं। आंटी जी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं खूब पढ़ाई करूंगी, बीए करूंगी, एमए करूंगी, जहाँ तक पढ़ाई हो सकेगी वहाँ तक करूंगी, और उसके साथ साथ तरह तरह के काम भी सीखूंगी। अपने राजस्थानी तरीके के कपड़े बनाने में तो मेरी वैसे भी बड़ी रुचि है, यहाँ तक कि मैंने अपने टेलर मास्टर को भी एकाधे जोड़ बना करके दिया हुआ है। ठीक है, तुम खूब पढ़ लिख जाओ और तरह तरह की चीजें भी बनाओ, फिर खूब तरक्की करो। आप ये कैसे कह सकती हैं? देखो बेटा, जिस तरह से तुमने शराबखोरी के खिलाफ धरना लगाया, इतनी कामयाबी हासिल की, उसे देखकर तो कोई भी ये कह सकता है। हाँ आंटी जी, इसका पति जो अव्वल दर्जे का शराबी कबाबी था, उसने भी शराब पीने से तौबा कर ली, इसे देखकर सुभद्रा का लोन तो मानना ही पड़ेगा।
सर वो दिन है और आज का दिन मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. सिंस दैट डे आई हैव नेवर लुक बैक. राजेश्वरी देवी जी की प्रेरणा कह लीजिए, उनकी संस्थान की मदद या फिर मेरा पक्का इरादा. मैंने खूब पढ़ाई की, खूब सारे नए नए काम सीखे और आप लोगों के आशीर्वाद से जिंदगी में खूब तरक्की करी. यह यूं कहिए कि मेरी जिंदगी के नए नए रास्ते खुलते चले गए. तुम तो वाकई ही मुबारकबाद की हकदार हो सुभद्रा. मैंने तो कभी नहीं सोचा था, माफ करना, कि जो मेरी नौकरानी है कभी इतनी तरक्की भी कर पाएगी. मामी, मामी। अरे बेटे आप लोग स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए? पापा ने छुट्टी दिला दी. वो क्यों? आप उन्हीं से पूछ लो ना. अच्छा बेटा आप लोग पहले अंकल और आंटी को नमस्ते करो. नमस्ते नमस्ते. अरे आप लोग नमस्ते. नमस्ते. मैं पूछती हूँ जी, बच्चों को इतनी जल्दी छुट्टी क्यों करा लाए? अरे सुभद्रा क्या करेंगे पढ़ लिख कर, आखिर है तो अंगूठा छाप के बच्चे ना. श्रीमती जी दरअसल बात यह है कि आज हमें अपने बच्चों को एक शानदार होटल में खाना खिलाना है, क्योंकि आज हमारी बुटीक की दूसरी सालगिरह है. अरे वो मैं तो भूल ही गई. सुनिए क्यों ना हम सर और मेम साहब को भी डिनर पर ले जाएं? हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे ना सर. भाई खुशी का मौका है, हम जरूर चलेंगे. वैसे मैंने इन्हें एक दो बार तुम्हारे साथ देखा है, पर इन कपड़ों में सचमुच नहीं पहचान पाई. मेम साहब इन कपड़ों पे मत जाइएगा, हूँ तो मैं अंगूठा छाप ही ना. अंगूठा छाप तो मेरे पति महोदय ने अपना तखल्लुस रखा हुआ है और वो इसी नाम से पुकारा जाना पसंद भी करते हैं. लेकिन पढ़ाई में तो ये मुझसे भी आगे हैं. मैं तो बीए तक ही पहुंची हूँ, मेरे पति तो एमए कर रहे हैं और इस बुटीक में बराबर के हिस्सेदार भी हैं. ना नो सर नो, 51% का और मेरी पत्नी बेचारी 49%. भाई मर्द को आखिर अपना हाथ जरा सा तो अपनी पत्नी से ऊंचा रखना ही चाहिए ना. नोट लगी सर. बेशक बेशक.